सब्सक्राइब कीजिए चैनल जायकेदार खाने को और न्यू रेसिपी की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जायकेदार खाना। आज मैं आपको मसाला बैंगन बनाकर दिखाऊंगी, जो बहुत एक टेस्टी रेसिपी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 350 ग्राम बैंगन ले लिए हैं। बैंगनों को अच्छे से धोकर इनके जो साइड काट के ऊपर का डंठल थोड़ा सा काट दिया है। एक चम्मच धनिया पाउडर है, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच से कम गरम मसाला पाउडर। एक मीडियम साइज की प्याज लेके इसका मैंने पेस्ट बना लिया है। एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है, जो मेथी दाने हैं, ये मूंगफली के दानों को मैंने रोस्ट करके इसका दरदरा पेस्ट बना लिया है। और सब्जी बनाने के लिए एक चम्मच मैंने तेल ले लिया है। चलिए मैं गैस ऑन कर लेती हूँ। तेल गरम हो चुका है, अब इसमें मुझे मेथी दाने से तड़का लगाती हूँ। ध्यान रहे मेथी दाना जलना नहीं चाहिए, इसका हल्का से हम ब्राउन कर लेंगे। इसके बाद इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। प्याज डाल देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और प्याज और लहसुन अदरक के पेस्ट को हम 5 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। 5 मिनट के बाद अब इसमें मैं ये सारे सूखे मसाले डाल देती हूँ। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ ताकि सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे और इन मसालों को भी हम 5 मिनट तक अच्छे से हिलाते हुए भून लेंगे। मसाले को हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। जब तक हमारा मसाला भून रहा है हम इन बैंगनों को काट लेते हैं। बैंगनों को इस तरह से हम 4 पीस कर लेंगे इनके और अंदर से देख लेंगे कि हमारे बैंगन खराब तो नहीं है। इसी तरह हम सारे बैंगन काट लेंगे। 5 मिनट के बाद अब मैं इसमें जो मूंगफली के जो मैंने पीस के इसका पेस्ट बनाया था वो डाल दूंगी और इसको भी हम अच्छे से 10 मिनट तक भून लेंगे। बीच बीच में मसाले को चलाते रहेंगे। ये मसाला अच्छे से भून चुका है। इस मसाले को भूनने में मेरे 10 से 15 मिनट लगे हैं। अब इन मसालों में मैं सारे बैंगन डाल देती हूँ। बैंगनों को इस तरह से चीरते हुए मसाला हम इनके बीच में भरते हुए डाल देंगे। अब मैं सारे बैंगनों में इसी तरह मसाला भरते हुए डाल देती हूँ। मसालों के साथ बैंगन को 2-3 मिनट तक हम अच्छे से भून लेंगे। दो तीन मिनट के बाद अब इसमें मैं पानी डाल देती हूँ। इस समय आप नमक को टेस्ट कर लें और नमक आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। इसके बाद गैस की फ्लेम को हम स्लो कर देंगे और बैंगनों को 10 मिनट तक ढक के पकाऊंगी, पर बीच बीच में हर 2-3 मिनट के बाद खोल के चलाते रहेंगे, जिससे हमारा मसाला और बैंगन अच्छे से चिपके नहीं और अच्छे से भूनते रहे। अब मैं इनको 10 मिनट के लिए ढक देती हूँ, बीच बीच में खोल के चलाती रहूंगी। गैस की फ्लेम को स्लो कर देंगे। दस पंद्रह मिनट के बाद हम चेक कर लेंगे। देखिए बैंगन अच्छे से गल चुके हैं, पूरी तरह पक चुके हैं। ये अब मैं गैस ऑफ कर देती हूँ। तो इसके ऊपर बारीक कदा धनिया पत्ती डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारे मसाला भरमा बैंगन की सब्जी बनके
तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमेशा की तरह लाइक का बटन जरूर दबाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक बार फिर जायकेदार खाने में।